ओके बेटा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है जो नेशनल बुक फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 11 और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में चैप्टर नंबर 12 के अंदर, इसको न्यूट्रिशन वाले जो चैप्टर है उसके अंदर एक सेगमेंट के तौर पर डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पर हम ज़्यादातर जो फोकस करेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये आइडिया देना चाहूँगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एवोल्यूशन कैसे हुई है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद फिर आपके लिए जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पढ़ना आसान हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम किस में है, सबसे एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम किस में है, कौन से फाइलम में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम आया, कौन से फाइलम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जाके चेंज हुआ, और सबसे एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से मौजूद। क्लियर हो गया? सो ये डिफरेंट जी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसका ओरिजिन डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी सिस्टम है वो किससे अराइज होते हैं। चैप्टर नंबर 10 जो आपने पढ़ा था, बिलखसूस आपने जब डाइवर्सिटी अमंग एनिमल डिस्कस किया, तो मैंने बताया था आपको कि जर्मिनल लेयर जो होती हैं वो क्या बनवाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? अब जो जर्मिनल लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम एंडोडर्म को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम एक्टोडर्म को डिस्कस करते हैं, इसी तरह से दरमियान में होती है मेसोडर्म। तो ये तीन बड़ी जर्मिनल लेयर्स होती हैं। क्लियर? सो आपसे मैंने कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सी लेयर इवॉल्व करती है, तो हमने किस लेयर को पढ़ा था, एंडोडर्म। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किससे इवॉल्व होगा, एंडोडर्म से। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल की डायग्राम शो की हुई है। ये उसकी सबसे आउटर लेयर है, दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, जो कि कौन से सिस्टम बनाती है, नर्वस सिस्टम बनाती है या इंटेगुमेंट कवरिंग बनाती है। ये है एंडोडर्म जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, और साथ इसके क्या बनाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एसोसिएटेड ग्लैंड लीवर प्लस पेंक्रियास। क्लियर हो गया? बाकी मेसोडर्म चूंकि डिप्लोब्लास्टिक में अभी डेवलप नहीं हुई है, बाकी सारे सिस्टम मेसोडर्म से बनते हैं। तो चूंकि डिप्लोब्लास्टिक में एक्टो और एंडो के दरमियान एक जेली लाइक मैस होता है जिसको मेसोग्लिया कहते हैं, ये आपको तकरीबन येलोइश, डार्क येलोइश कलर में आपको नजर आएगा। ये जो एंडोडर्म है आपको देखें ब्लू कलर की ये लाइन आपको नजर आई, ये ब्लू कलर की जो लाइन है ना, ये एक्चुअली ऐसे फोल्ड होकर क्या बना रही है, इसके अंदर एक गट बन चुकी है, या इसको हम डाइजेस्टिव कैविटी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये ट्यूब नहीं बनी, अभी ट्यूब नहीं बनी, जस्ट एक गट बन गई है, डाइजेस्टिव ट्यूब जिसको हम डाइजेस्टिव कैविटी कह सकते हैं, या सोलेंट्रॉन या इंट्रॉन वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। क्लियर? सो ये है ओरिजिन। डाइजेस्टिव सिस्टम किससे ओरिजिनेट हुआ, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ओरिजिनेटेड या एवॉल्व फ्रॉम एंडोडर्मल। क्लियर? अब वेरी इंपॉर्टेंट के इंसान का, चूंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे पूरा इंसान, तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट आपके लिए पता आना जरूरी है। इंसान जो फीड करता है किस पर फीड करता है, फीड ऑन कॉम्प्लेक्स फूड। इंसान किस पर फीड करता है, कॉम्प्लेक्स फूड। बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड पर फीड करता है उसको इस न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। कॉम्प्लेक्स फूड का क्या मतलब, हमारी खुराक में क्या है, फूड कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, तो ऐसी फूड जिसमें ये सारे कंपोनेंट मौजूद हो ना, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड। क्लियर? इस होलोजोइक न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप उस खुराक को इनटेक करते हैं, इसको कहते हैं इंजेशन। इंजेशन हमेशा किसके थ्रू होती है, अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बन चुका है तो किसके जरिए होगी, माउथ के जरिए। लेकिन अगर ये यूनिसेलुलर है तो ये इंजेशन किसी माउथ के थ्रू नहीं होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगी, और इस प्रोसेस को हमने क्या पढ़ा था, फैगोसाइटोसिस, ओ सही सही और जिसके नतीजे में फूड वैक्यूल बनता है। समझ आ गई? तो जिनमें सर, एंडोसाइटोसिस बेटा एंडोसाइटोसिस की, क्योंकि सॉलिड फूड को ले रहे हैं ना, तो फिर उसकी एक ज्यादा स्पेसिफिक टर्म होती है फैगोसाइटोसिस। अगर फैगो का वर्ड नहीं है तो उसको हम नहीं एंडोसाइटोसिस कहेंगे। क्लियर? था। अच्छा ओके जी सर सो अब इंजेशन जिन
ऑर्गेनिज्म में क्या बन चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम बन चुका है, तो उसमें किसके थ्रू होगी, माउथ के थ्रू होगी। और जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बना, यूनिसेलुलर हैं, वहां पर क्या होगी, किसके जरिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए फैगोसाइटोसिस होगी। सही अब चूंकि खुराक है। हमारी क्या है, होलोजाइक न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्स फूड है, क्लियर। खुराक क्या है, सर कॉम्प्लेक्स। बेटा कॉम्प्लेक्स फूड में ज्यादातर हम पॉलीमर खा रहे हैं, कुछ मोनोमर खा रहे हैं, कुछ डाइमर खा रहे हैं, डिफरेंट तरह की खुराक शामिल है। इस कॉम्प्लेक्स फूड को जब तक हम ना तोड़ें, सिंपलर बट डिफ्यूजेबल, सिंपलर एंड डिफ्यूजेबल में, डिफ्यूजेबल तब तक इसको हम डाइजेशन नहीं कहेंगे। सही है। क्यों? चूंकि जो भी हम खुराक खा रहे हैं, ये अल्टीमेटली किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू सेल तक पहुंचेगी, और इसको सेल ने ही लेना है, और सेल ने ही ग्लूकोज को लेना है, अमाइनो एसिड को लेना है, बाकी जो कंपाउंड है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, तो इसको यूज करना है, चाहे एनाबोलिज्म में या चाहे कैटाबोलिज्म में, चाहे एनर्जी हासिल करने के लिए या बाकी प्रोटीन दोबारा बनाने में, क्लियर। जी बेटा कंप्लीट डाइजेशन वही होगी जिसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन यानी कैटाबोलिज्म करेंगे, किसकी, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड की, किसमें, सिंपलर और डिफ्यूजेबल में। सही है। मैं डिफ्यूजेबल को ज्यादा आसान बना देता हूं, हम मोनोमर में कन्वर्ट कर दें, मोनोमर में बेसिक यूनिट में, क्लियर। अब मोनोमर में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट डाइजेशन वही होगी जिसमें वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाए, प्रोटीन की मिलेगा कम अमीनो हाँ प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन एसिड्स। जब अमाइनो एसिड में, और लिपिड की कंप्लीट डाइजेशन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बाकी न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि वो ऐसा जितने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उतना उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप इज एक्चुअली डाइजेशन, क्लियर। अब डाइजेशन या सेल के अंदर हो रही होती है या सेल के बाहर हो रही होती है, इस बेस पर इसकी दो बड़ी टाइप्स होंगी। सेल के अंदर होगी तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रा सेलुलर, और सेल के बाहर होगी तो ओके उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल के अंदर होगी तो उसको इंट्रा सेलुलर, और सेल के बाहर होगी तो उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। सही जैसे है। इंसान में डाइजेशन होती है, पूरी गट के दरमियान एक कैविटी होती है जिसको ल्यूमन कहते हैं, उसमें होती है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर होती है इंसान में, एक्स्ट्रा सेलुलर है इंटर सेलुलर है। एक्स्ट्रा सेलुलर। बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल के बाहर, बॉडी के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तो सर मुंह में ले रहे हैं वैसे खुराक, इसकी फर्क मुंह में लेके गए ना, तो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर घूमती रहती है, सेल के अंदर नहीं जाती खुराक, अच्छा, तो समझ वो गया एक्स्ट्रा मैं। सेलुलर या सेल के बाहर ही सारे डाइजेशन होगी, क्लियर। तो एक पॉइंट याद रखना, ह्यूमन ओके में सिर्फ ओके एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। फिर जब ये डाइजेस्ट हो जाएगी तो सारी जो डाइजेशन के बाद हमें क्या मिलेंगे, सिंपल डिफ्यूजेबल सब्सटेंस। इन सारे डिफ्यूजेबल सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, गट में से उठाकर, डाइजेस्टिव सिस्टम से उठाकर ब्लड में डाल देंगे, इसको कहेंगे क्या, एब्जॉर्प्शन, क्लियर। बेस्ट अब एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड उसको लेके जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, तो ये यूज हो जाएगी, जिसको कहेंगे एक्सिमिलेशन या यूटिलाइजेशन। ग्लूकोज से एनर्जी बनाएंगे, ग्लूकोज से वापस कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड से प्रोटीन, क्लियर। दो सही। तरह की खुराक होगी, वेरी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना बेटा। वो खुराक जो डाइजेस्ट हो सकती है उसको कहते हैं डाइजेस्टिबल, डाइजेस्टेबल से डाइजेस्टिबल। जो नहीं हो सकती तो साथ इन लगा दो, इन डाइजेस्टिबल। अच्छा सही है। तो जैसी खुराक जो इनडाइजेस्टिबल होगी वो क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा, जिसको हम डाइजेस्टिव वेस्ट कहेंगे, सही है। इसी को कहेंगे फीकल मैटर। तो ये जाकर हमें क्या रिमूव करना पड़ेगा, किसके थ्रू, इजेक्शन करनी पड़ेगी, क्लियर, जी सर बिल्कुल। जो फुजला निकालना पड़ेगा। अब यहां पर इंजेशन हमेशा किसके थ्रू होती है, माउथ के थ्रू होती है। इंजेशन हमेशा किसके थ्रू होती है, माउथ के, चाहे जो मर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे सैक लाइक है, चाहे ट्यूब लाइक, इंजेशन हमेशा किसके थ्रू होगी, माउथ के थ्रू। इंजेशन के लिए दो ओपनिंग होती हैं, या माउथ के थ्रू ही होगी या एनस के थ्रू होगी, अच्छा क्लियर। अच्छा सही है। ठीक है, तो जो माउथ, अगर तो माउथ के थ्रू होगी या फिर किसके थ्रू होगी, एनस के थ्रू होगी, क्लियर। जी सर तो अगर वो
माउथ के थ्रू ही हो रही है तो इसको सैक लैक डाइजेस्टिव सिस्टम, और अगर एनस के थ्रू हो रही है तो ट्यूब लैक डाइजेस्टिव सिस्टम। बेस्ट है सही है। तो अब नेक्स्ट ये कार्टून बाबा आ गए। भी कार्टून बाबा क्या पूछ रहे हैं हम देखते हैं यहाँ पर, उन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन पूछे। कार्टून बाबा ने दो बड़े क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। वो कहता है गिव मी द डिफरेंस बिटवीन डेफिकेशन एंड इजेशन एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्यूज़ जी सर। और क्लोइका और एनएस का डिफरेंस बता दें। डेफिकेशन बेटा इजेशन के लिए दूसरा वर्ड यूज करता है डेफिकेशन, डाइजेस्टिव वेस्ट के रिमूव को कहते हैं इजेशन या डेफिकेशन। क्लियर जी सर। बड़ा पेशाब जिसको हम नॉर्मल कह रहे होते हैं ह्यूमन के केस में। और अगर आप जी सर एक्सक्रीटरी वेस्ट खारिज कर रहे हो तो इसको क्या कहते हैं एक्सक्रीशन। अच्छा एक्सक्रीशन के बाद ही एडिशन होगी ना। जी ये दोनों सेपरेट प्रोसेस हैं। एक्सक्रीशन छोटे पेशाब जिसको हम कहते हैं यूरिन खारिज करना, मैं ह्यूमन के लिहाज से अच्छा अच्छा सही। तो यूरिन इज एक्चुअली एक्सक्रीशन, ये होमियोस्टेसिस में पढ़ेंगे आगे हम। लेकिन जो डेफिकेशन है इसका होमियोस्टेसिस से कोई लेना देना नहीं है। डेफिकेशन इज एक्चुअली रिमूवल ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट, सही है समझ आ गई। एक्सक्रीशन इज एक्चुअली रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ब्लड में से चीज नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल कर क्या करना एक्सक्रीट करना। क्लियर बेटा। डेफिकेशन की ओपनिंग होती है यूजुअली जहां एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम कहते हैं एनस। क्लियर जी सर। और एक्सक्रीशन की जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं यूरिनरी ओपनिंग, जैसे इंसान के पेनिस में होती है एंड पर टिप पर एक छोटा सा सुराख होता है जिसके जरिए हम यूरिनेशन करते हैं, उसको कहते हैं एक्सक्रीटरी ओपनिंग या यूरिनरी ओपनिंग, यूरिनरी मीटस भी कहते हैं। क्लियर जी सर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो एक्सक्रीशन ही भी उसी ओपनिंग से करते हैं और डेफिकेशन भी उसी ओपनिंग से करते हैं। अच्छा एक्सक्रीशन और डेफिकेशन का एक ही। उधर से जैसे बर्ड्स वहां से यूरिक एसिड भी खारिज करते हैं और वहां से ही वो अपना डेफिकेशन भी करते हैं। क्लियर। अच्छा अच्छा सही है। उसी के डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम लिंक के आपस में, तो अगर एक ही ओपनिंग हो तो फिर क्लोएका टर्म यूज की जाती है, फिर क्लोएका टर्म। क्या बात है। क्लियर हो गया। क्लोएका जो है जहां से एक्सक्रीशन भी होती है और एजेशन भी होती है, वहां से डेफिकेशन भी उधर से हो रही है और एक्सक्रीशन भी, अगर दोनों एक ही ओपनिंग से हो रही है तो फिर आप एनएस के बजाय ज्यादा वर्ड क्लोएका, जैसे हम कहेंगे क्लोएका ऑफ बर्ड्स, एनएस ऑफ बर्ड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, होता वो एनएस ही है बट बर्ड टेक्निकली क्लोएका यूज करेंगे। क्लियर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा ये हैं एवोल्यूशनरी टाइप्स जिसको हम डिस्कस करें, एवोल्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। दो बड़ी टाइप्स हैं, एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कहा था सैक लाइक, और सैक लाइक एवोल्यूशनरी इसको क्या कहते हैं प्रिमिटिव कहलाता है। ये क्या था पुराना, जो चीज पहली बनती है एवोल्यूशनरी इसको क्या कहते हैं प्रिमिटिव। तो मोस्ट प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम इज सैक लाइक, सैक लाइक। और जो एडवांस होता है वो क्या होता है ट्यूब लाइक। अब बेटा देखें कि सैक लाइक और ट्यूब लाइक में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखें सिंगल ओपनिंग है ना माउथ जी, इसी के थ्रू इंजेशन भी होगी, खुराक अंदर भी लेके जाएंगे, इसी के थ्रू इंजेशन भी करेंगे, एक्सक्रीशन भी। हाँ तो नहीं एक्सक्रीशन नहीं, हम वही स्टेप इंजेशन और इजेशन की बात करें, डेफिकेशन की, एक्सक्रीशन को यहाँ डिस्कस ही नहीं करेंगे। ओके सही समझ लिया, दोनों एक ही जगह से। हाँ तो अगर सेम ओपनिंग हो, सिंगल ओपनिंग हो किसके लिए, इंजेशन खुराक को अंदर लेके जाने के लिए भी और खुराक को बाहर निकालने के लिए भी, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं सैक। थाली होती है ना, ऊपर से चीज डालते हैं उधर से निकाल लेते हैं। तो इफ देयर इज ए सिंगल ओपनिंग फॉर बोथ इंजेशन एंड इजेशन, और वो ओपनिंग हमेशा क्या होगी माउथ, उसको क्या कहेंगे सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर ट्यूब बेटा दो साइड से ओपन होती है, देख लें सेंटर में ट्यूब, यहां से खुराक एंटर होगी तो जिस ओपनिंग से एंटर होगी वो माउथ, और जहां से निकलेगी वो क्या होगा एनस। क्लियर। तो इफ देयर इज, यहां देखें एक वर्ड का डिफरेंस होगा और आंसर चेंज हो जाएगा।
इफ देयर आर सेपरेट ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड इंजेशन, सेपरेट वर्ड है अलहदा अलहदा, तो फिर ट्यूब लाइक, और इफ देयर इज अ सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड इंजेशन तो फिर सैक लाइक, एक ही ओपनिंग. एनस इज नॉट प्रेजेंट इन सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लियर. हाँ, सही. ये होती है बेटा कंप्लीट गट, जो हम कंप्लीट उसमें माउथ चलाते हैं ना, सैक लाइक में. सैक लाइक में माउथ माउथ कहते हैं, सिर्फ माउथ है, माउथ दोनों में कॉमन होता है. हाँ, माउथ माउथ ही चलाते हैं. माउथ इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, चाहे वो सैक लाइक है चाहे ट्यूब लाइक है. बेसिक डिफरेंस बिटवीन सैक लाइक एंड ट्यूब लाइक इज एनस. इफ एनस प्रेजेंट, बिल्कुल, तो दिस इज ट्यूब लाइक. दिस सेपरेशन इज एब्सेंट, तो दिस इज सैक लाइक. क्लियर हो गया? यस सर. ओके, अब हम आ जाते हैं अपने फाइलम की तरफ. आपने पढ़े थे ना फाइलम पोरिफेरा, इसमें देख कोई सिस्टम मौजूद नहीं, ऑर्गन सिस्टम, चूंकि इसमें कोई जर्मिनल लेयर मौजूद नहीं है. क्लियर? सही है. फाइलम नोडेरिया में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम आया था, और सबसे पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम आया था उसका क्या नाम था? सैक लाइक. क्लियर बेटा? प्लेटी एलिमेंट टेस्ट में भी सैक लाइक ही रहा था, कोई चेंज नहीं आई थी, सिर्फ इंटेस्टाइन डेवलप हुई थी. एस्केल एलिमेंट टेस्ट में आ गया था ट्यूब लाइक. क्लियर? इसलिए चूंकि उनकी बॉडी भी ट्यूब लाइक होती है और उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी ट्यूब लाइक होता है, इसलिए एस्केल एलिमेंट टेस्ट के लिए टर्म यूज हुई थी क्या? ट्यूब विद इन ट्यूब. अच्छा. क्लियर? क्यों होगा? क्योंकि बॉडी ट्यूब है और अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ट्यूब है. फर्स्ट टाइम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केल एलिमेंट टेस्ट में आता राउंड वन में. क्लियर? फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर देयर इज ए लिंक बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. क्लोएका का कंसेप्ट आ जाता है आर्थ्रोपोडा में, लिंक बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. सही है. और सबसे एडवांस, बेशक बेटा एडवांस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक है, बाकी सब में ट्यूब लाइक ही है यहां से लेकर यहां तक, लेकिन मोस्ट एडवांस अगर देखें तो किसमें होगा? फाइलम कॉर्डेटा, और उसमें भी किसमें? ह्यूमन में, जो हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, इसलिए अगर हम पूछें फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें आया था, फाइलम नोडेरिया का मेंबर हार्ट. फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें आया? फाइलम नोडेरिया में. फर्स्ट एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें आया? फाइलम एस्केल एलिमेंट टेस्ट में. एंड मोस्ट एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें प्रेजेंट है? ह्यूमन में. ठीक है, सो ये था हमारे पास. अब इसका एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा प्रोटेरोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम का, इसका भी इससे लिंक है कुछ. क्लियर? यहाँ पर हमने पढ़ा था प्रोटेरो मीन्स फर्स्ट और स्टोम स्ट्रोमियम से ओपनिंग. इफ ब्लास्टोपोर, ये होता है छोटा सा ब्लास्टोपोर, ये आपको नजर आ रहा है, ये उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज है. ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ज्यादा हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे. ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, इसमें ये ब्लास्टुला स्टेज बन जाती है जिसमें ये छोटा सा ओपनिंग आपको नजर आ रही है नीचे, ब्लास्टोपोर इसको कहेंगे. इधर ये भी आगे. क्लियर? अगर ब्लास्टोपोर फर्स्ट ओपनिंग किसमें कन्वर्ट हो रही है? ब्लास्टोपोर फर्स्ट ओपनिंग जो बनाएगी वो नीचे देखें जाकर क्या बना रही है? माउथ बना रही है ना, तो प्रोटेरोस्टोम. और अगर ब्लास्टोपोर फर्स्ट ओपनिंग नीचे जाकर क्या बना रही है? एनएस, तो इसको क्या कहेंगे? ड्यूटेरोस्टोम. अरे क्या क्या बात है, समझ गया. लेटर, ड्यूटेरो में लेटर, तो इसमें लेटर ओपनिंग माउथ बनेगी. तो माउथ रेफरेंस माउथ है. हां जी, रेफरेंस माउथ. प्रोटोमीन फर्स्ट और स्टोमीन ओपनिंग, तो फर्स्ट ओपनिंग ब्लास्टोपोर गिव राइज टू फर्स्ट ओपनिंग माउथ, दिस इज कॉल्ड प्रोटेरोस्टोम. बाकी ये बाकी में डिफरेंस है वो हमारे से रिलेटेड नहीं. यहां तक ये आइडिया डिस्कस करने का मकसद ये था कि चूंकि ये टर्म आगे यूज होगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड बता दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की टाइप्स क्या हैं और क्या इससे रिलेटेड है. सो हम नेक्स्ट अपना लेक्चर इस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. आपसे थोड़ी देर के बाद मुलाकात होगी.